हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा और डोसा का फ्यूजन। यह देखने में तो पिज्जा जैसा लगता है, पर इसका बेस डोसे का है। ये खाने में जितना टेस्टी है, उतना ही बनाने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम पिज्जा डोसा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा शिमला मिर्च, बॉईल किया हुआ मैश आलू, बारीक कटा हुआ पनीर, या पनीर को मैश भी कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर, होममेड पिज्जा सॉस। होममेड पिज्जा सॉस बनाने का मेथड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। होममेड बटर, स्लाइस ऑलिव्स, यहाँ पर ब्लैक ऑलिव लिया है, और ग्रेटेड चीज। सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे और उसपे डोसे वाले बैटर को स्पून की हेल्प से एक सार फैला देंगे। अब ये हल्का सिक चुका है, इसमें 1 स्पून बटर और पिज्जा सॉस को डालकर उसके ऊपर से मैश किया हुआ 1 स्पून आलू डालेंगे, बारीक कटा शिमला मिर्च, प्याज, इन सबको डालकर हल्के हाथ से मिक्स करते हुए उसको धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएंगे। ये मिक्सर मिक्स हो चुका है। अब इसको डोसे के ऊपर स्पून की हेल्प से धीरे से फैला लेंगे। इसको पूरा कवर कर देंगे। अब उसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ पनीर, स्लाइस्ड ऑलिव्स, और ग्रेटेड चीज। चीज को आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से एक ढक्कन से ढक देंगे और गैस स्लो ही रखेंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे, नीचे से डोसा सिक चुका है और क्रिस्पी हो गया है, ऊपर से चीज भी मेल्ट हो गया है। अब इसको धीरे धीरे तवे पर से हटाएंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, डोसा पिज्जा एकदम रेडी है खाने के लिए। ये डिफरेंट कलर में बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है और खाने में उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।